नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो सुपर स्टॉक एडवाइजर। बात करेंगे इस वीडियो में कैनरा बैंक के बारे में। रिजल्ट अभी अभी आया है, टेक्निकल भी देखेंगे, साथ में कंपनी ने स्टॉक स्पीड दिया है और उसका भी एक्स डेट पास में आ चुका है, तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट, रिजल्ट में टोटल फिगर देखेंगे तो करोड़ में दी गई है, तो कोई टेंशन है नहीं, सीधा करोड़ में ही बात कर लेंगे यहाँ पे। और इस क्वार्टर का रिजल्ट है, इसके पिछले वाले क्वार्टर का रिजल्ट है और इसके सेम क्वार्टर मतलब मार्च 2023 वाला भी रिजल्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू या फिर इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम यहाँ पे दी गई है, दो नंबर पे टोटल इनकम जो इसको हुआ है इस बार यहाँ पे ये वाले लेवल पे, जो मार्च 2023 में इसको टोटल इनकम हुआ था वो 28,684 करोड़ के आसपास का हुआ था। और वहीं पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 32,333 करोड़ के आसपास का इसको जो है टोटल इनकम हुआ था। वहीं पे अगर इस क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में इसको जो है 34,025 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम हुआ है, मतलब 28,000 करोड़ राउंड फिगर में 32,000 करोड़ और उसके बाद 34,000 करोड़। तो इसके मतलब पिछले क्वार्टर से भी अगर देखेंगे तो 2,000 करोड़ के आसपास का इनकम ज़्यादा हुआ है, और इसके सेम क्वार्टर से देखेंगे हम लोग तो लगभग लगभग 6,000 करोड़ के आसपास इनकम ज़्यादा हुआ है, जो कि ठीक ठाक बढ़िया है, ठीक है ना। अब वहीं पे एक्सपेंशन देख लेंगे, टोटल खर्चा देख लेंगे। टोटल खर्चे की बात करेंगे तो टोटल खर्चा यहाँ पे 6 नंबर पे दिया है, 21,432 करोड़ का खर्चा आया था इसका एक साल पहले मार्च 2023 में। वहीं पे पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 25,528 करोड़ का खर्चा आया था, जो कि बढ़ के आया था क्योंकि इनकम भी बढ़ा था। और उसके बाद इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 26,637 करोड़ के आसपास का इसका जो है टोटल खर्चा आया है, जो कि बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर से। तो इनकम बढ़ा है तो खर्चा भी बढ़ता हुआ देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे मतलब इनकम में से टोटल खर्चा काट के, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो 7,252 करोड़ का इसको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था एक साल पहले मार्च 2023 में। वहीं पे पिछले क्वार्टर में 6,805 करोड़ का खर्च मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि कम था। वहीं पे इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 7,387 करोड़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको जो है हो रहा है। टैक्स इसमें अगर काटेंगे हम लोग, जो कंपनी को टोटल टैक्स देना पड़ रहा है लगभग वही 4,900 करोड़, और इतना ही सेम पिछले बार भी देना पड़ा था आफ्टर टैक्स यहाँ पे, ठीक है ना। और टैक्स इसमें जो है वही हो जाएगा इसका 1,148 करोड़, पिछले बार 1,250 करोड़ टैक्स दिया था। और वहीं पे अगर देखेंगे तो 2023 में से 982 करोड़ का टैक्स दिया। टैक्स उक्स काट के अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे सीधा सीधा कि कुल मिला के कितना बच जाता है, 14 नंबर पे आप लोग यहाँ पे देखिएगा 3,174 करोड़ इसको जो है बचा था, नेट प्रॉफिट हुआ था मार्च 2023 में। पिछले वाले क्वार्टर में 3,656 करोड़ बचा था, नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं पे इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 3,757 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग लगभग वहीं 100 करोड़ समझ लीजिए ज़्यादा है, और इसके सेम क्वार्टर से लगभग लगभग 600 करोड़ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, 17 रुपये 50 पैसे अर्निंग पर शेयर था इसका एक साल पहले मार्च 2023 में। पिछले क्वार्टर में 20 रुपये 15 पैसे था, इस क्वार्टर में 20 रुपये 71 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर देखने के लिए मिल रहा है। डिविडेंड भी दिया है भाई, जाइएगा मत आप लोग, टेक्निकल भी समझा देता हूँ। 16 रुपये 10 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अभी तो नहीं आया है, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आएगा तो मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसकी वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके पहले स्टॉक स्पीड की। देखिए स्टॉक स्पीड इसने दिया है 1:5 के रेशियो में, मतलब इसका 10 रुपया वाला फेस वैल्यू 2 रुपया हो जाएगा, मतलब हर एक शेयर जो कंपनी का है उसमें जो है इस तरह से 5 भाग कर दिए जाएंगे। एक शेयर हमारे पास रहेगा, बाकी ये 4 शेयर हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब इन्हीं 4 शेयर का प्राइस हो जाएगा एडजस्ट, किस दिन हो जाएगा, 15 मई 2024 को। तो 15 मई 2024 के एक ट्रेडिंग सेशन पहले पहले आप लोगों को खरीदारी करना पड़ेगा, जो डेट बन के आएगा इसका वो आ जाएगा
14 मई, 14 मई को लास्ट खरीदारी करने का डेट रहेगा, लेकिन 15 मई को इसमें जो है 80% का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। और ये 80% का एडजस्टमेंट वहीं देखने के लिए मिलेगा कि एक शेयर के बदले में 4 शेयर हम लोगों को जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। तो इन्हीं 4 शेयर का प्राइस जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, 20% हमारे पास वैल्यू रहेगा तो वो ट्रेड होगा, बाकी 80% यानी 4 शेयर हमारे पास नहीं रहेगा तो उसका शेयर नहीं ट्रेड होगा, ठीक है ना। जब मिलेगा तो उसके साथ आप लोगों को प्राइस भी मिल जाएगा, 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आप लोगों को स्टॉक स्प्लिट भी मिल जाता है। आगे भी वीडियो में बनाता रहूंगा। इस टेक्निकल की बात करेंगे दोस्तों, तो चार्ट पे 2.5% की तेजी इसमें देखने के लिए मिल रही है और सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट के आने के बाद तेजी देखने के लिए मिल रही है। बस इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब तक ये 550 रुपये के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो इसको बिंदास आप लोग होल्ड करिएगा। 550 के अगर नीचे ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक बड़ी सी भी गिरावट आ सकती है और फिर इसमें 450 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल में खरीदारी बिकवाली करने का कोई मेरा व्यू नहीं रहेगा जब तक कि ये 610 रुपये का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में दे के सस्टेन ना कर जाए, तब तक इसमें जो है खरीदारी नहीं रहेगा। हाँ, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आप लोग 750 से लेके 800 तक का इसमें जो है टारगेट रख के खरीदारी कर सकते हो, 850 तक का भी टारगेट रख सकते हो। तो बड़ा सा टारगेट मिलेगा, आराम से खरीदारी करिएगा। ऐसा नहीं कि चिंदी चोरी करने के चक्कर में आप जो है घर की पूंजी गवा दो, ऐसा नहीं करना है। आराम से खरीदारी करिएगा अगर आपका व्यू है कैनरा बैंक पे सही तो, ठीक है ना। और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आ गया है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।